The last part of the movie. Differential equation. Equations क्या होता है भाई? एक साथ थोड़ी, एक साथ बहुत सारी करोगे. Differential equation. चल गया. नहीं चला. पॉइंट पकड़ के ऐसे किसो. पॉइंट समझते हो? निब बोलते हैं निब हिंदी में, इंग्लिश में नहीं बोलते. तो पॉइंट क्या था फिर? हाँ तो फिर हिंदी तो है ही नहीं इसकी. है अनोक चित्तौड़ भाई. He is not from Hindi, he is from Chittor. Definition. Definition. Ho gaya. An equation that involves, an equation that involves independent comma dependent, independent comma dependent variables and the derivatives, and the derivatives of the dependent variable with respect to independent variables is called a differential equation, is called a differential equation. इसमें फिर से हमने एक बात लिखी है, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नहीं डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इन जनरल है, नॉर्मली नॉर्मली वी कंसीडर वाई एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये हमारा नॉर्मल रूटीन वर्क वाला टाइप्स वाला काम है. नॉर्मली वी कंसीडर वाई एज अ डिपेंडेंट एंड एक्स एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो जो डिफरेंशियल कॉफिशियंट्स हैं, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलेंगे, दैट मस्ट बी डी वाई बाय डी एक्स और डी टू वाई बाय डीएक्स. ट्रेनिंग वेनिंग चल रही है, हैं अनार खा रहा था. हाथ दर्द के दो. लो जी सुनो, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. अच्छा हमने डिफरेंशिएशन में भी इस तरह की बात कर रखी है वैसे तो, कि डिफरेंशियल कॉफिशियंट जो होंगे वो हमेशा डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में ही होंगे. अब लेकिन ये जो चीज है ये थोड़ा ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है. अब हम बहुत बड़े हो गए ना, हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फिर तो सारी चीजें जितनी भी हमने पढ़ी है बचपन से वो सब काम आएगी. डिफरेंशियल कॉफिशेंट, अगर जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन डीवाई बाय डीएक्स की है, डीवाई बाय, कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमें डीएक्स बाय डीवाई की भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ठीक है. तो अगर dy by dx की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y by default डिपेंडेंट और x by default इंडिपेंडेंट वेरिएबल.
मैंने तो जेई 2009 में देखा था फुल, जेई 2009 तो नहीं सॉरी 12 या 13, जब पहली बार ऑनलाइन चालू हुआ था, जेई मेन की बात कर रहा हूँ। तो उसके ऑनलाइन टेस्ट में आया था एक क्वेश्चन, उसमें क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन डीएक्स बाय डीवाई की थी, डीएक्स बाय डीवाई की थी, समझ रहे हो। तो अगर डीएक्स बाय डीवाई की डिफरेंशियल, फर्क क्या पड़ेगा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्क क्या पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स यानी कर्व निकालेंगे। वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स कब निकालोगे, जब वाई डिपेंडेंट और एक्स इंडिपेंडेंट हो, यानी कि नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, हम उसे बोलते थे नॉर्मल, क्यों, क्योंकि हम नॉर्मली वैसे ही सोचते हैं। नहीं आ रहा समझ में, सही है। डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन चीजें मिलेगी आपको, एक वाई, एक एक्स और एक उनके डिफरेंशियल कॉफिशियंट। डिफरेंशियल कॉफिशियंट पे सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन डिपेंडेंट और कौन इंडिपेंडेंट है, सारी दुकानदारी उसी पर डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है क्या, हेलो, ठीक है। अगर डी वाई बाई डी एक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वाई डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट, तो नॉर्मल काम कर रहा है जैसा हम लोग सोचते हैं। इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स मिलेंगे। दो चार पांच क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप मुझे अगर दोबारा याद दिला दोगे कि उस क्वेश्चन में क्या चोट हुई थी तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद ही आपको फील आएगी। अभी तो आप लोग मेरा चेहरा देख रहे हो, पता नहीं क्या बोल रहे सब। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द मार्केट। इन मार्केट वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। द वन इज ऑर्डिनरी विच इज इन आर सिलेबस एंड द अदर इज पार्शियल विच इज नॉट इन सिलेबस। कोई पूछे कैसी होती है देखने में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले झलके तो दे ही देते हैं। द ऑर्डिनरी जो कि हम लोग सोच सकते हैं, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स डी डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच वी कैन एक्चुअली सॉल्व, ठीक है। द पार्शियल वन डो, जो भी तुम्हें फिजिक्स वालों ने बताया होगा, हमें तो डेल सिखाया था भाई, सही है। कई मास्टर स्टाइल मारने के डो डो भी करते रहते हैं, डो टू वाई डो एक्स स्क्वायर प्लस वाई डो वाई बाय डो एक्स प्लस एक्स डेल, हमने तो डेल सीखा है भाई, अब मुझे क्या पता असली में क्या होता। कॉलेज में सुना होता मास्टर क्या बोल रहे थे, शायद समझ में आता, कभी सुना ही नहीं सोचा ही नहीं। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पार्शियल डिफरेंशियल कॉफिशियंट से मिलकर बनती है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फुल डिफरेंशियल कॉफिशियंट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अपने सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसी की बात करेंगे। नाउ